भाई पूरा मैटर सुनो, मेरी अभी हारिस से और सूरज वर्मा से पूरा आध घंटे बात हुई है। तो बात ऐसी थी कि भाई ये सुबह राइड पे गए थे और जेवर तक गए थे, जेवर के बाद आमिर मस्जिद और इसकी प्रो राइडर की थी कि आगरा जा रहे, 300 बाइक लगानी आगे। तो क्या हुआ, सूरज वर्मा को वापस निकलना था, तो इसी चक्कर में सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर कहते हैं कि भाई हम वापस जा रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। तो इस चक्कर में आमिर माजिद गुस्सा हो गया कि भाई तुम साथ नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो कह रहे कोई नहीं, ये जेवर से यू टर्न लेके ये आ गए नोएडा, नोएडा में आ गए, नोएडा इसके सूरज वर्मा के फ्लैट पे आके बैठ गए। तो 1 घंटे बाद कॉल आता है, इसका अननोन नंबर से कॉल आता है हारिस के फोन पे कि भाई आमिर इसका किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसका फोन है ये। इतने में फिर भाई इन्होंने फोन किया तो आमिर माजिद को कॉल किया कि भाई क्या सीन हो गया, क्या हो गया। आमिर माजिद कहता है भाई पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हो गया उसका। मतलब आमिर माजिद को पता ही नहीं है कि वो साथ में दो बंदे राइड कर रहे हैं जेवर पे, उसको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया उस चीज़ का। तो वो कहता भाई जल्दी आ जाओ, शायद एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि भाई अपनी बाइक ही खड़ी वहीं करके, सूरज किसी की गाड़ी थी, जाहिर के पास कोई गाड़ी थी, उस गाड़ी से वहां पहुंचे, टोल पे पहुंचे। टोल पे पहुंच के वहां पे टोल पे पहुंच के इन्होंने फोन किया आमिर माजिद को कि भाई कहाँ पे है, क्या सीन है, कहाँ पे हो। आमिर माजिद का भाई फोन स्विच ऑफ है, उस टाइम पे स्विच ऑफ है। उसके बाद भाई किसी के थ्रू आमिर माजिद से बात हुई तो कहता है भाई मैं तो यहाँ पे आ गया, नोएडा आ गया, और वहां पे जब तक मैं वापस पहुंचा इतने में पुलिस वाले ले गए उसको। मतलब आमिर माजिद इतना चूतिया बना रहा है कि उसे ये ही नहीं पता कि जेवर पे इतनी लंबी रोड, सीधी रोड, जहां पे पीछे से दूर दूर तक दिखाई देता है, एक बंदा साथ ना हो, तुम ड्रैग कर रहे हो, और मतलब उसे पता ही नहीं चला कि पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ कि अब ये वापस आ गए कि इन्हें एक्सीडेंट का स्पॉट ही नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे, कितनी आगरा से कितनी पहले हुआ, कहाँ हुआ ये नहीं पता। बस टोल से आगे साइड हुआ और जेवर की से आगरा के बीच में, जेवर से आगरा के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। तो वहां पे जो ट्रक वाला है उसने बताया, जो ट्रक वाला जो रुका था उसने बताया कि दो बाइकें थी, ड्रैग कर रही थी, इतने में दोनों ने, मतलब इसने टनार वाले ने, इस हरी बाइक वाले ने ओवरटेक किया दूसरे को और उसकी बाइक हो गई डिसबैलेंस और एक्सीडेंट हो गया। और दूसरा वाला बंदा रुका नहीं, वो सीधा ही निकल गया बिल्कुल ही। अब तक जो मैटर्स जो सुनने में आया यही है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट में यही कहानी है। अब ये वापस थाने जा रहे, मतलब थाने से बुलाया आमिर माजिद को कि भाई, उसके पापा ने बुलाया, थाने से नहीं बुलाया, उसके पापा ने बुलाया कि जो भी है कैमरा वगैरह सब दे दो जो भी है। तो भाई आमिर माजिद अब कर रहा है कि भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जो भी है तुम सारे साथ चलो, साथ चलो, और कोई कैमरा मत देना अपना, क्योंकि कैमरा क्या भाई, सीसीटीवी में ही आ जाएगा, जो जेवर के सीसीटीवी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर के फोन में और गोप्रो में पूरी क्लिप है कि वापस आ गए थे, इन्हें पता ही नहीं, या आगे गए नहीं, वो दोनों आगे गए थे खाली अकेले 300 लगाने के लिए।